दोस्तों सबसे पहले आते हैं एक फैक्ट की तरफ जो बताएगा कि फिल्म में दिखाए हुए रेस्क्यू ऑपरेशन से रियल वाला रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल था। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर साहब ने बताया है कि फिल्म में जब कुट्टन को नीचे भेजा गया था तब शूटिंग करने में आसानी हो इसीलिए ऐसा दिखाया है कि कुट्टन को पुली सिस्टम से नीचे भेजा गया था। पुली सिस्टम से किसी भी भारी चीज को खींचना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन रियलिटी में वहां फायर ब्रिगेड के पास कोई पुली सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए रस्सी को ऐसे ही डायरेक्ट नीचे डाला था, उसी रस्सी से कुट्टन उस गड्ढे में उतरा था। फिल्म में ये पुली सिस्टम होते हुए भी सब इतना मुश्किल लग रहा था तो सोचिए एक्चुअल में कुट्टन की और उसको खींचने वालों की क्या हालत हुई होगी। सच में ओरिजिनल कुट्टन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया था, उसके जिगरा को मानना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। दोस्तों ये मंजुमेल बॉयज के फैक्ट्स और डिटेल्स का पार्ट 2 है, और अगर आपने मंजुमेल बॉयज के फैक्ट्स और डिटेल्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना क्योंकि इस वीडियो में उन डिटेल्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। इन लड़कों में सिक्सन के टी शर्ट सभी प्रेजेंट और फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को इंडिकेट करते हैं। जब वो लोग कार से जर्नी पे जाने वाले होते हैं उसकी टी शर्ट पे रेसिंग कार की फोटो होती है। फिर जब फिल्म में वो टाइटैनिक वाली टी शर्ट पहनता है टाइटैनिक फिल्म जैसे ही सर्वाइवल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। और जब वो लोग सुभाष को बचा के वापस घर आते हैं उसने सर्वाइव लिखा हुआ टी शर्ट पहना हुआ था, यानी उसका टी शर्ट सुभाष के सर्वाइवल को इंडिकेट कर रहा था। फिर फिल्म में जो केव दिखाई है इस केव में गुना फिल्म का शूटिंग होने के बाद से इस केव को गुना केव नाम मिला था, लेकिन जैसा फिल्म में बताया है इसके पहले इसका नाम डेविल्स किचन था। उसके पीछे भी एक रीजन था, यानी लोग इसमें गिरने के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती थी, ये तो रीजन था ही, लेकिन इसका और एक रीजन था जो यहाँ कमल हसन सर बताते हैं। But have you seen one, why it was called the Devil's Kitchen? Seen the इस चीज को गुना फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था। ऐसे ही धुएं के पफ्स हमें फिल्म के एंड में भी दिखाए हैं, जैसे नीचे डेविल खाना पका रहा हो और उसके किचन से ये धुआं ऊपर उठ रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर चिदंबरम सर कमल हसन सर के बहुत बड़े फैन है, और पार्ट 1 में हमने कमल हसन सर के गुना फिल्म के गाने के रेफरेंस के बारे में बात की थी, लेकिन फिल्म में कमल हसन सर के और भी रेफरेंसेस हैं। उनके और एक फिल्म के गाने का रेफरेंस हमें इस सीन में सुनने मिलता है। यहाँ जब वो लोग मंदिर पहुँचते हैं ये गाना पीछे बज रहा होता है। ये गाना कमल हसन सर की फिल्म अप्पू राजा का है। अरे डर क्या है धम धम धमा कैसे नाचो रे हो, आया है राजा राजा के संग संग झूम लो। उसके बाद सुभाष के घर में भी हम कमल हसन सर का एक पोस्टर देख सकते हैं। उसके बाद फिल्म में टाइमलाइन से रिलेटेड डिटेल्स को काफी बारीकी से दिखाया है। अकॉर्डिंग टू रियल इंसिडेंट सुभाष 12:30 बजे गड्ढे में गिरा था, और जब सुभाष के कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं तब अराउंड 2 बजे होंगे, और इसीलिए वहां पुलिस स्टेशन में लंच टाइम चालू था। और जैसे ही ये पुलिस वाला खाना स्टार्ट करता है उसे बुलाया जाता है, और फिर यहां केव्स में भी ये फॉरेस्ट गार्ड खाना स्टार्ट करता ही है तब उसे बुलाया जाता है। फिर जब फायर ब्रिगेड स्पॉट पे आती है थोड़ा नेचुरल लाइट रहती है, लेकिन उसके बाद जल्दी ही अंधेरा होता है, यानी तब अराउंड 5:30 बजे होंगे। और जब सुभाष को बचाया जाता है पूरा अंधेरा हो चुका था, और एज पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सुभाष को जब बाहर निकाला 7:30 बज चुके थे। डायरेक्टर साहब ने यहाँ सभी डिटेल्स का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। उसके बाद जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस इंसिडेंट के पहले सुभाष को भगवान पे विश्वास नहीं था, लेकिन ये इंसिडेंट उसे चेंज कर देता है, और इस इंसिडेंट के बाद वो भगवान पे भरोसा करने लगता है। इसी चीज को इस सीन में फोरशैडो किया है। यहाँ जब कुट्टन सुभाष को ट्रिप के लिए घर लेने आता है तब वो सुभाष के घर में ये मलयालम बुक उठा के पढ़ने लगता है। इसका ट्रांसलेशन देखें तो लिखा है रिलीजन एंड मैन, जो सुभाष में हुए इसी चेंज को फोरशैडो कर रहा था। उसके बाद डायरेक्टर साहब ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सुभाष के इसी सफर को सेंटर में रख के फिल्म लिखी थी। सून आफ्टर टॉकिंग टू द बॉयज इट्स लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट एन एथिस्ट बिकमिंग गॉड। और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में इस इंसिडेंट को सुभाष के रीबर्थ के तौर पे ट्रीट किया है। बेबी वेलिया वरोला அதோட கீபோர்ட் ஷேப் ஒரு வெஜனரோட ஷேப் காரண அத ஓபனிங் அதோட மதர்
மதர் தான், மதர் உள்ள இருந்து அவங்க ஃபுல் பிளட், அந்த கயர் தான் அந்த உம்பிலிக்கல் கோட், என்ன அதாவது ரீபர் தான் அவங்க. ஜெய்ச பச்சா ஜப் மா கி கோக் சே பாஹர் ஆதா ஹை ஐசே ஹி கூன் மே லத்பத் ரஹதா ஹை ஜெய்சே சுபாஷ் பி தா. ஃபிர் ஃபில்ம் மே சுபாஷ் கி பாடி பே தோடா கப்டா திகாயா ஹை, லேகின் ரியல் இன்சிடென்ட் மே சுபாஷ் கி பாடி பே ஏக் பி கப்டா நஹி தா. ஜெய்சே பைதா ஹுவா பச்சா ஹோதா ஹை, ஃபிர் ஜெய்சே மா கி கோக் மே பச்சா அம்பிலிக்கல் கோட் சே ஜுடா ஹோதா ஹை ஆர் உஸி கோட் கே சாத் வோ பாஹர் ஆதா ஹை, உஸி கோட் கோ யஹான் இஸ் ரஸ்ஸி சே ரிப்லேஸ் கியா ஹை. ஆர் சப்சே இம்பார்ட்டன்ட், இஸ் கட்டே கா ஷேப் பி வஜைனா ஜெய்சா है जिससे सुभाष बाहर आता है. वेरी वेरी क्लेवर थॉट. ये है तो सच्ची घटना और ये सब कुछ हुआ भी था, लेकिन इन सब चीजों को जोड़ के डायरेक्टर साहब ने एक नॉर्मल चीज को भी एक आर्टिस्टिक टच देके प्रेजेंट किया है, मानना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो ये इंसिडेंट मंजूमिल बॉयज के नियम ना फॉलो करने की वजह से ही हुआ था. यहाँ फेंस था और वार्निंग वाला बोर्ड भी था, लेकिन फिर भी ये लोग इसके पार जाते हैं. लेकिन ट्रिप में ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने नियम तोड़े. यहाँ लिखा है फोटो निकालना अलाउड नहीं है, लेकिन ये फोटोज निकाल रहे हैं. फिर यहाँ पेड़ और फूल को हाथ लगाना मना है, लेकिन यहाँ कुट्टन हाथ लगाता है और सिक्सन तो फूल ही तोड़ के लाता है. फिर यहाँ एक वार्निंग बोर्ड है जिसपे लिखा है कि ये बैरियर क्रॉस नहीं करना है, लेकिन ये लोग बैरियर क्रॉस करके पेड़ पे चढ़ के फोटो निकाल रहे हैं. उसके बाद गुना केव्स के यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा स्मोक करता है. चलिए अब बारी है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की. कोई भी फिल्म देखते हुए उस फिल्म का जो आप पे इम्पैक्ट पड़ता है उसमें विजुअल्स के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक का भी उतना ही हाथ होता है, और इस फिल्म के लिए भी ये सही साबित होता है. इसके बारे में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर साहब ने बताया था कि उनकी टीम ने बहुत ही यूनिक साउंड्स निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था. वी आल्सो मेड अ न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर द फिल्म. इट वाज यूज्ड इन लॉट ऑफ स्कोर्स, लाइक इट मेक्स नाइटमेयर साउंड्स, इट मेक्स लाइक वेरी अनसेटलिंग टोन्स. ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एप्रिहेंशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जैसा ये. ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही रहता है जिससे हॉरर और अनसेटलिंग साउंड निकाल सकते हैं. और इन सब साउंड्स के लिए डायरेक्टर ने ब्रीफ भी बहुत ही यूनिक तरीके से दिए थे. सो इट वाज वेरी एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफ्स आई गिव, लाइक अ साउंड ऑफ रूट्स ग्रोइंग अंडरग्राउंड. सो देयर इज नो साउंड फॉर दैट, बट यू कैन इमेजिन अ साउंड लाइक दैट. Also a sound of a tummy which is hungry and for a long time and it's having some burps. It's like it coming from the earth and the hole is hungry. So और उस brief के results थे ये unsettling unique sounds. ध्यान से सुनिए. वेरी इनोवेटिव, रियली अमेजिंग. कैसे इतना सोच सकता है कोई? और सच में इसी मेहनत और डिटेल्ड काम की वजह से ही ये फिल्म इतना इम्पैक्ट डाल पाती है. जो भी ये फिल्म देखता है मन में एक डर लगा रहता है. और इन इनोवेटिव साउंड्स की वजह से ही गुना केव सिर्फ एक लोकेशन नहीं, फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है. सच में मान गए पूरी मंजूमल बॉयज की टीम को सैल्यूट. अब आते हैं अगली फैक्ट की तरफ. फिल्म में गुना केव्स में कुछ दोस्तों को बंदर की खोपड़ी मिलती है. अब ये शॉट कोई रैंडम शॉट नहीं था. जब डायरेक्टर साहब गुना केव्स देखने पहली बार गए थे उन्हें ये स्कल मिला था. द स्कल ऑफ द मंकी, एक्चुअली आई गॉट इट when I like went into Guna Cave for the first time. और ऐसे ही कई मंकी स्कल्स फिल्म गुना की शूटिंग के दौरान कमल हसन सर को भी मिले थे, और वही सेम स्कल्स कमल हसन सर ने उनकी फिल्म हे राम में यूज किए थे. I still have the monkey skull. दोस्तों फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सुभाष और कुट्टन बीच में ही फंस जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता, तब अभिलाष लूज एंड पुल टेक्निक सबको याद दिलाता है. और उसी टेक्निक से मंजूमल बॉयज सुभाष को बचाने में कामयाब होते हैं. लेकिन इस सीन को डायरेक्टर ने फिल्म के स्टार्ट में ही फोरशैडो किया था. यहाँ स्टार्ट में जिस टीम से फिल्म वाले मंजूमल बॉयज हारते हैं, ये ओरिजिनल मंजूमल बॉयज हैं. जी हाँ दोस्तों, ये जीतने वाले ओरिजिनल मंजूमल बॉयज हैं. ये वाली डिटेल मैंने मंजूमल बॉयज के डिटेल्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में विस्तार में बताई है, तो मैं उस पे यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा. तो यही लूज एंड पुल टेक्निक से फिल्म के स्टार्ट में ओरिजिनल मंजूमल बॉयज की जीत होती है. Bye,
यही स्टार्ट वाली लूज एंड पुल टेक्निक से मिली जीत उसी क्लाइमैक्स वाली जीत को फोरशैडो कर रही थी। स्टार्ट में ओरिजिनल मंजुमेल बॉयज जीतते हैं और यहाँ एंड में जीत होती है उनकी फ्रेंडशिप और उनके जज्बे की। अब जो मैंने थंबनेल में लिखा है उस पे बात करते हैं। ओरिजिनल क्लाइमैक्स डिफरेंट था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में सुभाष को बचाने के बाद वो लोग आसानी से वहां से निकल जाते हैं ऐसा दिखाया है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक्चुअल इंसिडेंट में पुलिस वालों ने मंजुमेल बॉयज के सारे पैसे छीन लिए थे। उनके पास सिर्फ जाने के लिए जितने पैसे लगने वाले थे उतने ही पैसे छोड़े थे। और तो और वापस घर जाते हुए ड्राइवर थकने की वजह से उनकी गाड़ी का केरला बॉर्डर पे एक्सीडेंट भी हुआ था। ये सभी चीजें फिल्म में नहीं दिखाई थी क्योंकि फिल्म में ऑलरेडी सुभाष को रेस्क्यू किया गया था और इंसिडेंट के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखाने थे। फिर इन सब में ये एक्सीडेंट और बाकी चीजें भी दिखाते तो फिल्म थोड़ी स्ट्रेच लगती, इसलिए वो पार्ट डायरेक्टर साहब को कट करना पड़ा। अब देखते हैं कुछ और चेंजेस जो डायरेक्टर ने रियल इंसिडेंट के अलावा फिल्म में दिखाए हैं एज अ क्रिएटिव लिबर्टी। वैसे तो इस फिल्म में दिखाई 99% चीजें रियल में हुई थी, लेकिन उन रियल इंसिडेंट्स को एज अ फिल्म प्रेजेंट करते हुए कुछ एडिशंस लिए हुए डायरेक्टर साहब ने खुद बताया है। डायलॉग प्रसाद से इज लाइक आई वांट टेक द कार एंड इवन इफ यू बर्न अस अलाइव, सो दैट वाज एडेड लाइक राइट ऑन स्क्रीन, सो आई थॉट लाइक नीड द सीन व्हेन आई नीड अ स्मॉल हाई देयर, सो दैट्स व्हाई इट वाज एडेड ऑन पॉइंट। जी हाँ, प्रसाद का ये डायलॉग। गाड़ी निकाल। मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा सर। गाड़ी नहीं निकालेगा? तू गाड़ी नहीं निकालेगा तो कोड़ाई कनाल के बाहर नहीं जा पाएगा। सर आप गाड़ी जला भी दोगे तो भी चलेगा सर, मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा। ये प्रसाद ने एक्चुअल में नहीं बोला था, फिल्म में इस पॉइंट पे एक हाई पॉइंट की जरूरत थी इसीलिए ये डायलॉग ऐड किया गया था। उसके बाद बहुत से डायलॉग सीन का इम्पैक्ट मेंटेन रखने के लिए कट भी किए गए, जैसे इस सीन में। और फिल्म का ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है जब सुधी कुट्टन को बोलता है, तू नहीं उतरता तो मैं जाता। तू होता तो क्या करता हूँ, तू नहीं उतरता तो मैं जाता। जब ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था तब सभी दोस्तों ने जाने की तैयारी दिखाई थी, लेकिन अगर फिल्म में वैसा दिखाते तो सीन थोड़ा खींच जाता और सीन का पूरा इम्पैक्ट चला जाता, इसलिए सुधी को पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बना के सीन दिखाया गया है। Is that something that really happened or is that something that you created? That lot of dialogues between them, lot of confusion between them, it will obviously happen. So that will kill the flow. See, sometimes one boy's dialogue is the collective expression of all the boys. If I don't know, you get an example, everyone will do the same. So that is a collective expression of the boys. He represents the like, boys at times. So that's यहाँ भले ही सिर्फ सुधी ने ये डायलॉग बोला हो, लेकिन बाकी सभी बॉयज यही सेम चीज अपनी आंखों से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सच में इस सीन में कम से कम डायलॉग रख के सिर्फ एक्टिंग से सीन को काफी इम्पैक्टफुल बनाया गया है। ये फिल्म खुद में मंजुमेल बॉयज का एक रियल वर्जन है जिसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मंजुमेल बॉयज भी बोल सकते हैं। यहाँ ये सभी एक्टर्स हम हिंदी ऑडियंस के लिए नए चेहरे हैं, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री में इनमें से ज्यादातर लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इनमें से ये ड्राइवर प्रसाद का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर खालिद रहमान एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने उंडा और थल्लूमाला जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई है। उसके बाद सिज्जू का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर लाल जूनियर जिन्होंने मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट की थी जिसका बाद में हिंदी में रीमेक भी बना। फिर उनके ही भाई बालू वर्गीस ने सिक्सन का कैरेक्टर प्ले किया है। फिर कन्नन का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर गणपति इस फिल्म के डायरेक्टर चिदंबरम के भाई हैं और इस फिल्म के हीरो सौबीन शाहिर तो मलयालम इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी। अगर उनकी एक्टिंग देखनी है तो आप उनकी रिसेंटली आई फिल्म रोमांचम, कुंबलंगी नाइट्स और सुदानी फ्रॉम नाइजीरिया ये फिल्म्स देखना, उनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाओगे आप। ये फिल्म सच में एक कलेक्टिव एफर्ट था और ये फिल्म तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के भाईचारे का। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, उनमें से एक है लास्ट ईयर आई फिल्म 2018। इस फिल्म में भी बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स ने छोटे छोटे रोल्स किए थे और ऐसे ही कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही आज मलयालम फिल्म इंडस्ट्री 2024 में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाली इंडस्ट्री बन गई है। दोस्तों मैं 2016 से मलयालम फिल्म्स देखते आ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मुझसे भी कुछ अच्छी फिल्में मिस हो गई हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे कुछ अच्छी मलयालम फिल्में सजेस्ट कीजिए, देखते हैं मुझसे क्या क्या मिस हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।